गंगधार से झालावाड़ जिले की गंगधार पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 88 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा को जब्त किया है। थानाधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर गंगधार थाना क्षेत्र के हसामदी का खेड़ा गांव के शमशान घाट के स्टोर रूम में चार काले बैग में तस्करी के लिए रखे गए लगभग 88 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। गंगधार पुलिस ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में अज्ञात मुलजिमान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है। तरह की कार्रवाई है। कल शाम को गश्त के दौरान एक सूचना मिली कि असामदी गांव में एक नया शमशान घाट बना है जिसका कमरा अमूमन खुला ही पड़ा रहता है, जिसके खिड़की दरवाजे बंद होने पर मुखबिर से सूचना मिली कि कोई बात हो सकती है, एक बार आकर चेक करो। तो जाकर चेक किया, उसके अंदर कुल चार कट्टों में 88 किलोग्राम डोडा चूरा मिला है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, टीम गठन कर मुलजिमों की तलाश की जा रही है।